सुदशरथ अजर बिहारी। आंधी में उनके पैर उखड़ रहे थे। विश्वामित्र अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने राम की तरफ देखा। दिन ढल रहा है राम, ताड़ का निशाचर है। रात होते ही निशाचरों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हें इस राक्षसी को उसके पहले ही खत्म करना होगा। ताड़का के हाथ आकार में बढ़ते जा रहे थे। अब वे हाथ किसी बड़े पेड़ की तरह लंबे हो गए थे। बड़े बड़े पैने नाखून इतने नुकीले थे कि उनके बस छूने भर से उस जंगल के पेड़ धड़ाधड़ कटकर नीचे गिर रहे थे। ताड़का का अट्टहास्य चारों तरफ गूंज रहा था। बड़े बड़े पत्थरों की तेज बारिश हो रही थी। ताड़का अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाती हुई राम और लक्ष्मण को खोज रही थी। राम लक्ष्मण दोनों ने अपने धनुष तान रखे थे। राम के एक इशारे पर दोनों भाइयों ने बाणों की बारिश कर दी। राम लक्ष्मण के तीखे बाणों से ताड़का के पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। धूल का गुब्बारा उठने लगा। दोनों ने बाणों की ऐसी बौछार कर दी कि सारा आसमान बाणों से ढक गया। ताड़का का हमला राम लक्ष्मण ने बेकार कर दिया था। विश्वामित्र ने राम का उत्साह बढ़ाया। राम, सोच क्या रहे हो? इस राक्षसी को मार डालो। गुरुवर, वो राक्षसी है, मैं मानता हूं वो शक्तिशाली है, पर वो है तो स्त्री ही। मैं स्त्री को मारकर सबके सामने क्या आदर्श रखूंगा? राम, अबला स्त्री या शरण में आई स्त्री को अगर तुम मारते हो तो वो अधर्म है। ये भले ही स्त्री है, पर ना तो ये शरण में आई है ना ये अबला है। ये तुम्हें बराबरी की चुनौती दे रही है। स्त्री पुरुष बराबर होते हैं, उन्हें उसी नजर से देखो। फिर भी गुरुवर, मेरा मन नहीं मान रहा। राम ने इतना कहा ही था कि ताड़का के पंजों ने लक्ष्मण को जकड़ लिया और अब वो लक्ष्मण को खाने के लिए अपने मुंह की तरफ ले जाने लगी। तब राम ने अपने तरकश से चांद के आकार का बाण निकालकर ताड़का पर चला दिया। वो बाण इतना तेज था कि उस राक्षसी का हाथ कंधे से टूटकर धड़ाम से नीचे गिर गया। लक्ष्मण राक्षसी की पकड़ से आजाद हो गया। राम ने फिर से वैसा ही दूसरा बाण छोड़कर ताड़का का दूसरा हाथ भी तोड़ डाला। ताड़का दर्द से चिल्ला उठी। उसके पर्वतकाय शरीर से खून की धाराएं फूट पड़ी। राम, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे हाथ काट कर तुझे क्या लगा, तू मुझे हरा देगा? ताड़का अपना विकराल मुंह फाड़े राम को निगलने को बढ़ने लगी। ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो सूरज को निगलने राहु आगे बढ़ रहा है। राम, अधिक मत सोचो। राम ने बाणों की बारिश से अपने और ताड़का के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। दिन अब तेजी से ढल रहा था। परेशान विश्वामित्र ने फिर राम को देखा। राम, देखो अगले कुछ पलों में सूरज पूरी तरह ढल जाएगा, फिर इस राक्षसी की ताकत और कई गुना बढ़ जाएगी। तुम उस पर विजय तो क्या, उसे रोक भी नहीं सकोगे। लेकिन गुरुवर, इससे पहले राम कुछ कहता, उसके पहले ही ताड़का के जोरदार धक्कों से राम की खड़ी की हुई बाणों की दीवार ढह गई। राम ने देखा वो राक्षसी जमीन पर रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। उसने माया से अपना शरीर बदल लिया था। अब वो किसी भयंकर अजगर की तरह थी। उसका मुंह इंसानी था, बाकी शरीर काले नाग का था। उसकी जीभ लपलपा रही थी, बड़े बड़े दांत चमक रहे थे, आंखें अंगारे की तरह आग उगल रही थी। उसकी फुफकार जहरीली थी।
जो थोड़ी बहुत हरियाली उस सूखे जंगल में थी वो भी अब खत्म हो रही थी। जो सूखे पेड़ थे वो आग पकड़ रहे थे। जंगल जलने लगा था। जंगल के हिंसक पशु पक्षी आग से बचने के लिए चीख पुकार मचाते भाग रहे थे। देखा राम, तुम इस मायावी राक्षसी पर केवल इसलिए दया दिखा रहे हो कि वो स्त्री है। क्या इसमें स्त्री की वो कोमलता है? क्या उसमें तुम्हें कहीं कोई ममता दिखाई देती है? ये दुष्टा तो यज्ञ का विध्वंस करती है, यहाँ के मुसाफिरों को पकड़कर खा जाती है, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को अपना भोजन बनाती है। इसका वध जरूरी है। अपने राज धर्म का पालन करो, शरण आई अपनी प्रजा की रक्षा करो। विश्वामित्र के शब्द सुनकर राम ने झट से अपना धनुष तान लिया और उस पर एक साथ तीन बाण लगाकर छोड़ दिए। वे तीनों बाण ताड़का के दिल को भेद गए। वो जोर से चिल्लाकर खून उगलती हुई राम के चरणों में आकर गिर पड़ी। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जय श्री राम। एक दैवीय आवाज ने राम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वहां सफेद कपड़े पहनी, गहनों से लदी सुंदर यक्षिणी खड़ी थी। उसके हाथों की अंजलि में दिव्य फूल थे। राम अचरज से उसे देख रहा था। आप कौन है देवी? मैं वही राक्षसी ताड़का हूं श्री राम। आपके हाथों मेरी मौत हुई, मैं श्राप से आजाद हुई, आपका धन्यवाद। कहते हुए उसने अपनी अंजलि के फूल राम पर बरसा दिए। राम ने सिर्फ मुस्कुराकर उस यक्षिणी को देखा। वो यक्षिणी राम को बार बार नमन करती आकाश में उड़ती जा रही थी। ताड़का के आतंक से सारा जंगल आजाद हो गया था। दिन ढलने में थोड़ा ही समय बाकी था। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण तेज कदम उठाते हुए उस जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में जगह जगह जंगली पशु पक्षी राम को नमन कर रहे थे। सूखे हुए उस जंगल में नया वसंत आ रहा था। ताड़का के साथ साथ वो जंगल भी शाप से आजाद हो रहा था। अगले दिन सुबह विश्वामित्र बड़े खुश लग रहे थे। राम और लक्ष्मण दिल लगाकर उनकी सेवा कर रहे थे। विश्वामित्र राम को निहार रहे थे। राम जी, गुरुवर, आज्ञा। आज्ञा नहीं, मैंने कल तुम्हारा पराक्रम देखा, मेरा विश्वास पक्का हो गया, तुम राक्षसों के भय से हमें आजाद करोगे। रावण राज का अंत मुझे दिखने लगा है। गुरुवर, यह आपका मार्गदर्शन है। मैंने केवल अपना काम किया, एक राक्षसी के आतंक से जंगल को आजाद किया है। राम, ऊंचे संस्कारों वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं, फलों से लदा पेड़ झुका रहता है। राम ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपने हाथ जोड़कर विश्वामित्र को प्रणाम किया। सुनो राम, मैं तुम्हें दिव्यास्त्र देता हूं, जिनके इस्तेमाल से तुम देवता, असुर, गंधर्व या नाग सब पर विजय पा सकोगे। ये अस्त्र लो। विश्वामित्र एक एक अस्त्र को बुलाने लगे और उसके इस्तेमाल के बारे में बताते हुए राम को देने लगे। राम एक एक करके शस्त्र ग्रहण करते जा रहे थे। आसमान में कभी दंड चक्र प्रकट होता तो कभी काल चक्र, कभी विष्णु चक्र की दिव्य आभा से दिशाएं भर जाती तो कभी इंद्र के वज्र से दिशाएं कांप उठती। वहीं शिव के त्रिशूल से सारा वातावरण थर्रा उठता तो कभी मोदकी और शिखरी नाम की गदाओं की टंकार होती, तो धर्मपाश, कालपाश
वरुण पाश को देखकर स्वर्ग के देवता भी कांप जाते। कंकाल, मूसल, कपाल अस्त्रों को राम ने ग्रहण किया तो लंका में भयंकर उत्पात हुआ। रावण के महल का एक हिस्सा ढह गया। राम ने सारे अस्त्र ग्रहण कर लिए। उन्होंने अपने गुरु की वंदना की। विश्वामित्र खुश हो गए। राम, इन अस्त्रों के अलावा मैं तुम्हें गंधर्वों का सम्मोहन अस्त्र, पिशाचों का प्रिय मोहन अस्त्र भी देता हूं। राम ने उन अस्त्रों को चलाने की विद्या भी ग्रहण कर ली। अस्त्र विद्या मिलने के कारण राम का शरीर दिव्य आलोक से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वर्ग का देवता या खुद भगवान विष्णु धरती पर चल रहे हों। लक्ष्मण राम की छाया बनकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर राम के कदम रुके और उसने विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, सामने ये किसका आश्रम है? यहां हिरणों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, आसमान में ऊंचे उठे पहाड़ पर मेघ आकर बरस रहे हैं, क्या ये आपका वो रमणीय आश्रम है? मुझे दूर से आते यज्ञ के मंत्र भी सुनाई दे रहे हैं, तो क्या वे दो दुष्ट राक्षस मारीच और सुबाहु इस प्रदेश में आकर आपके यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं? राम की आवाज में धीरे धीरे गुस्सा दिखने लगा था। ऐसे सुंदर स्थान पर आकर उपद्रव मचाना राम को कतई पसंद नहीं आया था। हां रघुनंदन, ये सामने दिखने वाला आश्रम मेरा ही है। मेरे आश्रम में रहने वाले ऋषि आजकल आतंक के साए में यज्ञ कर रहे हैं। ये मंत्रों की दबी आवाज इसीलिए है ताकि उन राक्षसों को पता ना चले कि यहां यज्ञ चल रहा है, वरना वे चीख पुकार मचाते आ पहुंचेंगे और यज्ञ वेदी पर खून और मांस की बारिश कर देंगे, फिर ऋषियों को डरा धमकाकर भगा देंगे और यज्ञ की सामग्री उठा ले जाएंगे। ये देखो राम, विश्वामित्र ने एक तरफ इशारा किया। राम की नजर उस पर गई। सामने का नजारा देखकर राम की आंखों में गुस्सा उतर आया। वहां यज्ञ में लगने वाली चीजें जैसे धूप, कपूर, ऋषियों के कमंडल, रुद्राक्ष की मालाएं टूटे बिखरे पड़े थे। जगह जगह खून के दाग थे। यज्ञ में फेंके गए मांस के टुकड़े अब सड़ रहे थे और उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। कहीं कहीं कुत्ते और जंगली जानवर उन मांस के लोथड़ों को खींच रहे थे। उनके गुर्राने, भौंकने और एक दूसरे पर झपटने से वहां डर का माहौल था। तभी एक लोमड़ी तेजी से आकर बड़े मांस पर झपटी और उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगी। बाकी जानवर भी उसके पीछे भागने लगे। राम ने अपना धनुष तान लिया, लेकिन विश्वामित्र ने अपना हाथ बढ़ाकर राम को रोक लिया। राम गुरु की आज्ञा से बंधा सामने का नजारा बस चुपचाप देख रहा था। महाराज जनक का दरबार चुप्पी साधे एक दूसरे का मुंह ताक रहा था। बस दरबार में बहती हवा की आवाज आ रही थी। जनक अपने सिंहासन पर बैठे अपने मंत्रियों, कुलगुरु और बाकी दरबारियों की तरफ देख रहे थे। महाराज जनक को गुस्सा आ रहा था। अब कोई कुछ बोलेगा? महाराज, एक बूढ़े से मंत्री अपने आसन से उठते हुए बोले, राजकन्या सीता विवाह के योग्य हो गई हैं। मैं जानता हूँ उसका स्वयंवर होगा, मैं ये भी बोल चुका हूँ। जी महाराज, हमारे सामने समस्या थोड़ी अलग और गंभीर है। क्या आर्यव्रत के राजा स्वयंवर का न्योता मंजूर नहीं कर रहे हैं? नहीं मिथिला नरेश, कई राजाओं महाराजाओं ने अपनी मंजूरी भेजी है, तो समस्या क्या है?
लंकापति रावण, वो राक्षस? जनक की आवाज चढ़ गई, महाराज हाँ वही राक्षस, अब वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के कगार पर है। त्रिलोक विजयी वो पहले से है, ब्रह्मा का उसे वरदान है। और क्या मंत्री? महाराज वो मनुष्यों का और खासकर आर्यों का दुश्मन है। जानता हूँ, पर उसने अब तक मिथिला पर हमला नहीं किया है, इसलिए महाराज मंत्री परिषद की सलाह है कि आप रावण को राजकुमारी सीता के स्वयंवर का न्योता भेज दें। जनक को गुस्सा आ गया। एक अनार्य को? उस पर वो राक्षस है। पर महाराज वो पिता के कुल से ब्राह्मण है। हाँ, पर उसके कर्म ब्राह्मणों वाले तो नहीं है, वो राक्षस ही है, और मैं मेरी बेटी राक्षस से नहीं ब्याहूंगा। जनक को गुस्सा आ रहा था, साथ ही उन्हें एक बेबसी महसूस हो रही थी। महाराज राजकुमारी का स्वयंवर है, ये निर्णय कुमारी का होगा। मंत्री महोदय, आप भी ये जानते होंगे कि भले ही ये स्वयंवर है, पर यहाँ शर्त लगी है कि जो कोई शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा बांधेगा, सीता उसे वरमाला पहनाएगी। अगर रावण ने धनुष पर प्रत्यंचा बांध दी तो? महाराज रावण लंकापति है, उसका स्थान ऐसा है जहाँ से वो सबसे पहले उठकर धनुष पर प्रत्यंचा बांध नहीं सकता। उसे कम से कम 2-4 राजाओं को धनुष उठाने देना होगा। हम कामना करेंगे उनमें से कोई राजा धनुष पर प्रत्यंचा बांध दे, फिर रावण कुछ नहीं कर पाएगा। और महाराज अगर रावण ने धनुष पर प्रत्यंचा बांध दी तो वो आपका जमाई बनेगा। रावण त्रिलोक का स्वामी है, उसके घर रिश्ता जोड़ने से मिथिला की शान कम नहीं होगी। मंत्री आप केवल राजनीति देख रहे हैं। महाराज रावण को गुस्सा आया और उसने मिथिला पर धावा बोल दिया तो पूरी मिथिला बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी बेटी की बलि दूं? महाराज राजकुमारी सीता के विवाह से बड़ा भयानक युद्ध टल सकता है, हजारों प्राण बच सकते हैं। मेरे विचार में ये सौदा सस्ता ही है। सच में मंत्री महोदय, राज सिंहासन पर बैठना कांटों का मुकुट पहने जैसा है। ना राजा अपना सुख जता सकता है ना दुख। महाराज पिता के दिल से ना सोचें, रावण को न्योता भेज दें। ये भी हो सकता है वो आए ही नहीं, लंका से यहाँ मिथिला आकर स्वयंवर में भाग लेना उसे अपनी शान के खिलाफ लगे, या उसे ये लगे कि मिथिला एक बहुत छोटा राज्य है, यहाँ रिश्ता जोड़कर क्या लाभ। महाराज जनक कुछ देर शून्य में नजर गड़ाए कुछ सोचते रहे। महल के बाहर खिड़की के पास कौआ बैठा काँव काँव कर रहा था। बीच बीच में हवा के झोंके से पर्दों में सरसराहट हो रही थी। महाराज के सिंहासन के पास खड़ी दासियां पंखे से हवा कर रही थीं। मंत्री अपने माथे पर जमी पसीने की बूंदों को पोंछता हुआ महाराज के फैसले का इंतजार कर रहा था। ठीक है मंत्री महोदय, रावण को न्योता भेज दिया जाए। लंका में अपने निजी कक्ष में रावण अपने गिने चुने सलाहकारों के साथ बैठा था। मिथिला से स्वयंवर का न्योता आया है। रावण अपने मंत्री प्रहस्त की तरफ देख रहा था। जी महाराज, सोच रहा हूं मिथिला ना जाऊं, वो कोई बड़ा राज्य भी नहीं है। महाराज मेरी बात माने, ये न्योता आर्यों के राज्य से आया है। तो लंकापति, ये वही आर्य हैं जो राक्षसों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। राक्षसों को हराने के लिए बार बार उस विष्णु को विनती करते रहते हैं। तब तो मुझे मिथिला का विध्वंस कर इस न्योते का जवाब देना चाहिए।
नहीं महाराज, जनक कुमारी सीता के बारे में मेरा दूत बता रहा था, वो सुंदरता का हिमालय है, सारे शुभ लक्षणों से युक्त हैं और उनकी शर्त भी आसान है। रावण मुस्कुराया। अच्छा, शर्त भी है? हां महाराज, पर आपने तो भगवान शिव का कैलाश पर्वत उठा लिया था, उनकी शर्त है शिव धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा बांधना। ये आसान है, राक्षसों के वीर राजा के लिए आसान है, आर्य राजाओं के दांत खट्टे करने के लिए ये काफी है। महाराज, आप वहां जरूर जाएं, एक दो राजाओं को धनुष उठाने दें, जब नहीं उठेगा तब एक झटके में उठाकर सीता को जीत लें, आर्यों से संबंध हो जाएगा तो महाराज को आर्य हमारा अपमान करने का साहस नहीं कर सकेगा। बाद में महाराज मिथिला नरेश को कहकर उनके राज्य में चल रहे यज्ञ को बंद करा सकते हैं। भला क्या ससुर अपने जमाई की बात नहीं मानेगा? रावण के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा गई। उत्तम मंत्री प्रहस्त, उत्तम सुझाव, आज ही मिथिला हमारा दूत भेज दो, कह दो रावण ने स्वयंवर का निमंत्रण स्वीकार किया है। तभी रावण के महल के जिस ढहे हुए हिस्से की मरम्मत चल रही थी वो फिर से एक बार ढह गया। आसमान में उड़ती एक टिटहरी रावण के महल के दरवाजे पर आ बैठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपने अपने दलान में बैठी रावण की मां कैकसी और रावण की पत्नी मंदोदरी ये अपशकुन देखकर मन में ही सहम गई। पिछले 6 दिनों से महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ लगातार चल रहा था। उन्होंने यज्ञ दीक्षा ली थी, इसलिए वे मौन रहकर सारे काम कर रहे थे। आश्रम में रहने वाले बाकी ऋषि उन्हें यज्ञ का सामान देते। महर्षि वेद मंत्रों को पढ़ते हुए उसे एक एक करके अग्नि में डालते जाते। जब से यज्ञ शुरू हुआ था राम और लक्ष्मण सोए नहीं थे। धनुष पर बाण लगाए वे लगातार यज्ञ भूमि का चक्कर काटते पहरा देते। महर्षि विश्वामित्र की दी बला अति बला शक्ति के कारण दोनों को तनिक भी थकान नहीं महसूस हो रही थी। यज्ञ अब पूरा होने को था। सारे ऋषि अपने स्थान पर खड़े होकर पूर्णाहुति के मंत्र बोल रहे थे। रिम यज्ञपतये पूर्णो भवतु यज्ञोन्मेरिष्यन्तु यज्ञ देवता फलानि सम्यग्यच्छन्तु सिद्धिं दत्त्वा प्रसीद मे स्वाहा क्रौं वौषट्। तभी आसमान में काले बादल घिर आए, चारों तरफ बड़ी भयंकर आवाजें होने लगी। आश्रम में घूमते हिरण डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ हड़कंप मच गया। धीरे धीरे वो आवाजें आश्रम के करीब आने लगी। अब उन आवाजों ने अलग अलग आकार लेना शुरू कर दिया था। ये मारीच और सुबाहु के राक्षसगण थे, जो हाथ में मूसल पत्थर पेड़ के तने लेकर चीख पुकार मचाते आगे बढ़ रहे थे। कुछ राक्षसों ने बड़े बड़े हांडे हाथ में पकड़ रखे थे। धीरे धीरे चारों ओर राक्षसों का जमावड़ा लगने लगा था। राम लक्ष्मण दोनों सावधान हो अपने तरफ आते इन राक्षसों को देख रहे थे। तभी एक राक्षस ने अपने हाथ में थामा बड़ा सा घड़ा उड़ेल दिया। उसमें ताजा खून था। सारी यज्ञ भूमि लाल हो गई। तभी दूसरा राक्षस चीखता हुआ आगे आया। उसके कंधे पर बड़ी भारी पोटली लटक रही थी। वो राक्षस एक पेड़ पर खड़ा हो गया और सबसे ऊंची टहनी पर खड़ा हो अपने हाथ की पोटली गोल गोल घुमाने लगा। गोल गोल घुमाते हुए उसने अचानक पोटली का एक सिरा छोड़ दिया। उस पोटली में बंधे मांस के टुकड़े हवा में लहराते हुए यज्ञ वेदी के चारों तरफ गिरने लगे। यज्ञ करते सारे ऋषि मुनि सहम गए। उन्होंने सवालिया नजरों से महर्षि विश्वामित्र की तरफ देखा। उनका चेहरा शांत था। वे अभी भी अपने मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
तभी राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण, सच में ये बड़े उत्पाती राक्षस हैं। हाँ भैया, और देखो ना, जब यज्ञ पूरा होने को है इन्होंने तब आक्रमण किया, पर इनका यह आक्रमण बिना किसी पूर्व तैयारी के है। ये सिर्फ झुंड बनाकर आए हैं। ध्यान से देखो लक्ष्मण, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। बस एक तरफ निहत्थे ऋषि हैं, इसलिए ये राक्षस उन्हें डरा पा रहे हैं। तो भैया चलो इनके आक्रमण का जवाब दें तुरंत। राम ने उन राक्षसों की टोली को एक नजर देखा। हां मैं वही करने वाला हूं, इनमें मारीच और सुबाहु कौन है ये देखना होगा। तभी राक्षस सुबाहु हंसा। देखो मारीच, इन ऋषियों ने अपनी रक्षा के लिए दो बालक नियुक्त किए हैं। देख रहा हूं सुबाहु। मारीच का पूरा शरीर सोने के गहनों से लदा था। उसके पास सोने की बड़ी हांडी थी। मारीच, इन कुमारों को तुम्हारी हांडी का स्वाद देते हैं, अभी लो। कहते हुए मारीच ने अपनी हांडी राम लक्ष्मण पर उड़ेल दी। उसमें ताजा लहू और मांस के टुकड़े थे। राम ने तुरंत बाण चलाकर अपने और लक्ष्मण के ऊपर छतरी बना ली। ये बालक तो धनुर्विद्या में कुशल लगता है, सुबाहु ने अपनी भयंकर आवाज में कहा। कोई नहीं सुबाहु, इस पर मूसलों की वर्षा करते हैं। कहते हुए मारीच राम लक्ष्मण को मूसलों से मारने की कोशिश करने लगा। राम लक्ष्मण दोनों भाई बिजली की फुर्ती से बाण चलाकर मूसलों की उस वर्षा को आसमान में ही काट रहे थे। जब मूसलों का वार खाली गया तो सुबाहु ने पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। चारों तरफ बड़े बड़े भारी पत्थर गिरने लगे। कुछ पत्थरों से यज्ञ करते ऋषियों को चोटें भी आ रही थी। राम ने जब ये देखा तो उसने एक दिव्यास्त्र चलाकर यज्ञ स्थान के ऊपर बाणों की छत बना दी। सुबाहु और मारीच की मदद के लिए वहां बाकी राक्षस भी आ गए। उन्होंने दोनों भाइयों पर हमला बोल दिया। राम को गुस्सा आया। लक्ष्मण, अब बहुत हो गया, मुझे लगता है अब इन राक्षसों का अंत करना होगा। अब मैं मानवास्त्र का उपयोग कर इस महाभयंकर राक्षस का वध कर देता हूं। इतना कहते हुए राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर मानवास्त्र का आवाहन किया। मानवास्त्र तेज रोशनी फेंकता, गर्जना करता मारीच की छाती पर जा लगा। उस अस्त्र की मार इतनी जबरदस्त थी कि मारीच दूर समुद्र के पास गिरकर बेहोश हो गया। अब राम के सामने केवल सुबाहु था, जो अपने साथी के यूं अचेत हो जाने से गुस्से से पागल हो गया। सुबाहु की बड़ी बड़ी आंखें अब आग बरसा रही थीं। उसके साथ आए राक्षस अपने पास का सारा लहू और मांस आश्रम पर फेंक रहे थे। कुछ राक्षसों ने इधर उधर भागते हिरणों को उठा उठाकर खाना शुरू कर दिया था। एक दो राक्षस हाथ में आग ले आश्रम जलाने की तैयारी कर रहे थे। राम ने अब अपना धनुष तान लिया। उसके बाण की दिशा थी सुबाहु, और राम के बाण पर आग्नेयास्त्र का आवाहन हो चुका था। सुदशरथ अजर बिहार।